नमस्कार, गुड मॉर्निंग और अर्गस सुपरफास्ट को स्वागत करछि मु स्वप्ना। आरंभ करबा आजिर खबर अभियान। राज्य रे पीड़ितों को मिलुनी न्याय, बहुत चर्चित बरगढ़ हाजत मृत्यु मामला को नहीं डेढ़ मासरु अधिक समय बितलानी, हेले एबे सुधा घटना रे संपृक्त पुलिस कर्मचारी को विरुद्ध रे एक्शन हेला नाही, जहाकु नहीं विभिन्न समय रे आंदोलन और रास्ता रोक देखा देथिला। अनसरक भी ओल्हाई थिले मृत गोविंद कुंभारंक पत्नी रूबी कुंभार, तथापि अभियुक्तक विरुद्ध रे एक्शन सुन, जहाँ विरोध कर आज बीजेपी युव मोर्चा तरफ बरगढ़ एसपी ऑफिस घेराव करा। ममिता मेहर को न्याय दाबी दिन 10 बरगढ़ एसपी ऑफिस घेराव कर बीजेपी युव मोर्चा। भुवनेश्वर केबीएन ग्रुप्र वीडियो वायरल पर एवं कटकु एमती किसी वीडियो वायरल हो एक गैंग सोशल मीडिया रे निज आधिपत्य जाहिर कर सबू वीडियो को ने चर्चा हो। आस्था और विश्वास गणपर्व छठ पर चलचंचल झारसुगुड़ा लोकों आस्थार महापर्व। छठ पूजा राज्यर विभिन्न स्थान में आयोजित हो, कोरोना काल में भी श्रद्धालु माने संपूर्ण भक्तिभाव सह एक पर्व को पालन करसुगुड़ा सहरांचल बीटीएम कॉलोनी बक्सी छक बुरोमाड़ सरबाहाल पुराणा बस्ती समेत ब्रजराजनगर मंडलिया बेलपहाड़ सह बंद बाहाल विभिन्न जलाशय व्रतधारी माने सूर्य को पूजा कर। व्रतधारी माने रात्रि उजागर रहिबा सह आज उदित सूर्य को अर्घ्य प्रदान करी सेमानक व्रत भंग करिवे। सूर्य भगवान का उपास के सूर्य भगवान के लिए उपास करते हैं ये वाला, और इसके लिए ही हम लोग अर्घ देते हैं। जो मांग छठी मैया से अगर श्रद्धा दिल से आप मांगेंगे वो मांग इसमें जरूर पूरा होता है। छठ पूजा देखे महा साल यहाँ आते हैं और इस पर बहुत अच्छे से मनाया जाता है। सूर्य भगवान के लिए है ये पूजा, सूर्य भगवान के लिए, और ये पूजा से बहुत फल मिलता है शायद मैं जानती हूँ, इसके कारण मैं आती हूँ। कर्ण जो है महाभारत काल में कर्ण सूर्य की पूजा सबसे पहले करने वाले हैं, और छठ पूजा से जो हमें बहुत सारा उत्साह मिलता है। प्रकृति रूप से भी छठ पूजा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठंड से जब ठंडी आती है, मतलब ठंड की शुरुआत होती है, उस समय लोगों को ठंड से लड़ना कैसे है, ठंड में अपने आप को एक्सेप्ट करना कैसे है, वो चीज़ें हमें जो है छठ पूजा प्रदान करती है। थर्ड कोविड हम लोग को फेस ना करना पड़े, अब सब खत्म हो जाए और पहले की जैसी जिंदगी हो जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए भगवान से और सब अच्छे रहे। बरगढ़ अताबिरा एनएससी स्थित श्रीराम बाबा मठ निकटस्थ बुटु बंदर छठ पूजा पालित हो, हजार हजार श्रद्धालु जनगहली में पालित हो पूजा। पूर्व वर्ष भली चलित वर्ष कोविड नियम को पालन पूर्वक विधि पूर्वक पोखरी तुठ से पूजार्चना होता। व्रत करने से सब मतलब बाल बच्चा धन संपत्ति सब सुखल होता है। ये नहा खा होता है वो लौकी के सब चना के दाल खाते हैं नहा धोआ, उसके बाद दूसरा दिन खरना के दिन वो गुड़ के गुड़ में खीर बनाते हैं, रात में खाते रोटी केला। और टी20 विश्वकप फाइनाल रे न्यूजीलैंड इंग्लैंड को 5 विकेट रे हराई प्रथम दल भाव फाइनाल रे प्रवेश करिछि न्यूजीलैंड टीम। मात्र 5 विकेट हराई इंग्लैंड देथिबा 167 रन विजय लक्ष्य को 19 रे हासिल करी नेछि न्यूजीलैंड। दल पक्षरु तारेल मिचेल को दमदार 72 रन पाली खेलिथिले, तांको सह डिवट कन्वे 46 एवं जेमी निशन 11 बॉल रु 27 रे विस्फोटक इनिंग्स खेली दल को विजय कराइथिले। आबुधाबी खेला जाइथिबा ही मैच रे टॉस जीती प्रथमे बोलिंग निष्पत्ति नेइथिला न्यूजीलैंड टीम। इंग्लैंड प्रथमे बैटिंग करी निर्धारित 20 ओवर रे 4 विकेट हराई 166 रन करिथिला। इंग्लैंड पक्षरु मोइन अली सर्वाधिक 51 रन करिथिबा बेले मलान 40 रन करिथिले। सेबडे आज द्वितीय सेमीफाइनल मुकाबला रे पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया परस्पर को भेटिबे। गुली माड़ करी मेडिसिन दुकान रु लुट होइतिबा अभियोग, आरडी छक निकटरे मानव ज्योति मेडिसिन स्टोर रु लुट, 3 मोबाइल सह टंका नेगले दुर्बृत्त, 3 बाइक रे थिले 7 रु ऊर्ध दुर्बृत्त। घटनास्थल रे ग्रामांचल पुलिस तदंत करिछि केउ माने एही लुट रे संप्रुक्त अछन्ति सेनि अनुसंधान चलाइछि पुलिस। 2 बाइक जोगे 6 रु ऊर्ध दुर्बृत्त आसिबा सह एही घटना रे संप्रुक्त थिबा सूचना रहिछि।
जॉब कार्ड रे चंचकता करी टंका उठाइथिबा अभिजोग जिलापालंक द्वारस्थले अभिजोग करी ढेंकानाल पर्जंग ब्लॉक जयपुरा काटिणी अभय परिडा तांको अजाणतरे तांको नामरे दुईटी जॉब कार्ड जालियाती करी 61,000 टंका अन्य अकाउंट को उठाइ जाइथिबा अभिजोग करिछंती। एने आज से जिलापालंक एक अभिजोग पत्र प्रदान करिवे। तेबे एने से जिलापालंक एक दायपत्र प्रदान करिबा सह ए संक्रांतरे एक तदंत करिबा निमन्ते दाबी करिछंती। मो नारे जॉब कार्ड तीनटा है मुझ नजाणी अवस्था मुझ जाणी अवस्था गोटे दुईटा मोदी जाणी अवस्था रही 61,000 टाइम मो जॉब कार्ड अलग अकाउंट को उठाई पैसा जी आर सी रिजाइन दवा दरकार से अनेक लोक हड़प कर खाऊ कार घर काटी कार घर देवी ए संस्कृत अच्छे से पक्का दाम अच्छे साधारण नचो सी जहाँ इच्छा तरह कर इंदिरावास घर पाइबा भितर मोर मुझे लेबर कार्ड पैसा जो अभियोग कर एवं मत कह से सरकार लेबर पैसा दौनी न दौर मुझ ब्लक गली ब्लक भी किसी शुणिले नहीं नी जी आर सी को कहली कहली मोर पैसा कौन उठे तुम सब अन्य अकाउंट खाऊ मत दौन कहला तुम जो कौट अभियोग कथा कर। भुवनेश्वर लोयर पीएनजी रे आमरण अनशन में बस शिक्षक धारण में बसी आशायी शिक्षक शिक्षयित्री भितर जड़े शिक्षयित्री असुस्थ होती गुरुतर अवस्था कैपिटल हॉस्पिटल रे तंकु भर्ती करा जायछि। अध्यापिका ममिता मेहर आत्मार शांति और मंत्री बहिष्कार दाबी रे महिला मोर्चार कैंडल शोभायात्रा हो जायछि। तालचेर पौर मंडल बीजेपी महिला मोर्चा तरफ एक कैंडल शोभायात्रा हट्टोटोटा ठारे करा जायथिला। ममिता अमर आत्मार सद्गति निमन्ते कैंडल जाली प्रार्थना करिबा सह मंत्री कैप्टेन दिव्यशंकर मिश्र इस्तफा और बहिष्कार दाबी करा जायथिला। ममिता मेहर आत्मार सद्गति महिला मोर्चा तरफ शुभकामना करमर गृहमंत्री दिव्यशंकर मिश्र जो भाया जघन्य कम कर लुचिकी रही मुख्यमंत्री बाहू छत्र छाय ते गिरफ करवा हूँ आम तालचेर महिला मोर्चार मुख्य दाबी जो भाया आज घरे घरे माँ भी मैंने बाहरी पार ना पदा को यही राज्य सरकार जो राजनीति चली प्रत्येक अक्टोबर मसरे प्रत वर्ष महिला मान शक्ति पूजा होता समय महिला मान जो भाया भाव में मानने निर्यातना कराई जो मैंने धर्षण करहमंत्री ताकि जो भाया महिला मान प्रति अविचार करा आमर आज राज्यवासी जानतु आ सरकार को शीघ्र वर्जित करूँ। विप्लवी बिरसा मुंडा प्रति केन्द्र सरकार बड़ सम्मान एणिकी प्रत्येक वर्ष नवेम्बर मस 15 तारीख दिन देश में पालित हो जनजातीय गौरव दिवस। यह घोषणा को आज प्रधानमंत्री मोदी अध्यक्षत बसी कैबिनेट बैठक में मिली अनुमोदन। नवेम्बर 15 हो महान विप्लवी भगवान बिरसा मुंडा जयंती। जयंती दिवस को जन भारतीय गौरव दिवस भाव पालन हो यह अवसर चलित बर्ष एक सप्ताहव्यापी उत्सव आयोजन स्थिर हो। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स और कैबिनेट की बैठक हुई। जैसा आपको पता है कि भारतीय इतिहास और संस्कृति में जनजातियों का विशेष स्थान और उनके योगदान को सम्मानित करने के लिए और आने वाली पीढ़ियों को इस सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्रीय गौरव के संरक्षण के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने का निर्णय लिया गया है। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी जनजातियों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा। 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती है जो अंग्रेज शासन के विरुद्ध संघर्ष करने वाले एक महान स्वतंत्रता सेनानी हैं और समाज सुधारक रहे जिनको जनजातीय समुदायों एवं देशभर के श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता है और देशभर में जिस मान सम्मान जिस श्रद्धा के साथ उनको याद किया जाता है उस भावना और इनके आज़ादी की लड़ाई में योगदान को देखते हुए भी 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित करने का निर्णय लिया गया है। बाघ छाल बिक्री डील होता बेले वन विभाग चढ़ाऊ गोटे चिता बाघ छाल जबत
दुई जना गिरफ होइछंती। देवगढ़ बनखंड रियामाला फॉरेस्ट रेंज पलासमा सेक्शन ब्राह्मणीपाली गाँ निकट में बाघ छाल बिक्री डिल चलता बेले माड़ बसला वन विभाग घटनास्थल कुंडेगोला थाना कुशकिया गाँवर 55 वर्षीय प्रहलाद परिडा सिमिलीहोता गाँवर पांड प्रधान को गिरफ्त कर वन विभाग बाघ छाल बेपारी धरवाई देवगढ़ बनखंड अधिकारिणी क्षमा षडंगी नेतृत्व में एक स्वतंत्र टीम गठन करने अधिक तदंत जारी रही जमापड़। तबे संपर्कित अधिक सूचना देवे देवगढ़ प्रतिनिधि निर्माल्य प्रसाद साहू फोन इन आम सहित जोड़ी होती। निर्माल्य बाघ छाल जल बिक्री होता से वन विभाग चढ़ाऊ करता और दुईज गिरफ होती। तेज अधिक अपडेट कौन रही केबेठु बाघ छाल बिक्री करुंटे कहार कहार लिंक अच्छी अधिक अपडेट कौन आसमाल्य देखो स्वप्ना जहाँ सूचना रही देवगढ़ जिला पलसमा फॉरेस्ट सेक्शन रे ब्राह्मणीपाली जंगल में बाघ छाल बिक्री होता डिल चलता बेले वन विभाग चढ़ाउ कर घटनास्थल गोटे कलरा पतरा बाघ छाल जबत कर दुईज अभियुक्त को वन विभाग गिरफ्त कर जहाँ सूचना रही गत काली अपराह्न घटनास्थल में जितेबाला चढ़ाउ कर गोटे कलरा पतरा बाघ छाल जबत होता अभियोग कुंडेगोला थाना कुस्कुड़िया प्रहलाद परिडा वन विभाग को गिरफ्त कर मात्र घटनास्थल जे मुख्य अभियुक्त था सेठार फेरार मारिथिला पर देवगढ़ बनखंड अधिकारी क्षमा षडंगी नेतृत्व में एक स्वतंत्र टीम गठन कर गत राति सारा विभिन्न स्थान में चढ़ाऊ जारी रही एवं जहाँ सूचना मिलती आज भोर समय मुख्य अभियुक्त को गिरफ्त कर अभियुक्त जनक हेले रियामाल थाना सिमिलीहोता गाँवर पांडव प्रधान। तबे निर्माल्य जानिबा को चाहिबा जे प्रहलाद परिडा एवं पांडव प्रधान को गिरफ करिछि वन विभाग से माने केबेटु एही बाघ छाल बिक्री चालन डील करूथले एवं एमानक पछरे आ कहार कहार लिंक अछि से नै अधिक किछि अपडेट मिलि परछि कि से नै जहां आमे डीएफओ को सहित आमे आलोचना करथुरु से एबे विभिन्न एबे से तदंत जारी रखिछन्ति ए पर्यंत किछि हमकु स्पष्ट सूचना आसी नै से आगर कौटी तांकर आगर कौन सी मामला थिला कि कौन नथिला से नै से अधिक तदंत जारी रखिछन्ति स्वप्ना। तबे निर्माल्य माने जहाँ को ई बाघ छाल बिक्री करथबा बेले वन विभाग माड़ी बसला जेउ मानन को माने बिक्री करथले से माने किए से नै किछि सूचना मिलि परछि से नै किछि ए पर्यंत हम पाखर सूचना आसि नै स्वप्ना सूचना आसले आपन फोन कर निश्चित भाव देवगढ़ प्रतिनिधि निर्माल्य साहू आम सहित जोड़ी होते बाघ छाल बिक्री डिल होता बेले वन विभाग चढ़ाऊ एवं ए संपर्क में दुईज को मध्य गिरफ्त कर बाघ छाल चलाण केबेठु चलुला और एने सहित डिल करते से नहीं अधिक अपडेट आसीपारिना तेज एने अधिक सूचना देते निर्माल्य धन्यवाद निर्माल्य आप समस्त अपडेट पर। तेज बाघ छाल बिक्री उद्यम पंड हला एवं बाघ छाल डिल होता बेले माड़ बसला वन विभाग घटन दुईज को गिरफ्त करबेठ करुले किए किए ए संपृक्त होती से नहीं अधिक तदंत जारी रखी वन विभाग। परिवेश सुरक्षा दिगरे केन्द्र सरकार बड़ पदक्षेप पेट्रोल रे इथानल मिसाइबे तैल वितरण पब्लिक सेक्टर कंपनी एथिपाई विभिन्न संस्थारु किणाजीव इथानल इथानल किणवाई एक मापदंड बा प्रक्रिया प्रस्तुत करिछंती केन्द्र सरकार जहाँ आज केन्द्र कैबिनेट रे अनुमोदन मिली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अध्यक्षतार बसिता बैठक में निष्पत्ति संपर्क में सूचना देखते केन्द्र सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर
ଭାରତର ନିଜସ୍ୱ କୋଭିଡ୍ ଟିକା କୋଭାକ୍ସିନ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଲା ହଂକଂ। ଏଣିକି ହଂକଂ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ଭାରତୀୟମାନେ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ଟିକା ନେଇ ମଧ୍ୟ ସେହି ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଚୀନ୍ର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶାସନାଧୀନ ଅଞ୍ଚଳ ଭାବରେ ପରିଚିତ ହଂକଂ କୋଭାକ୍ସିନ୍କୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ଭାରତୀୟ ଟିକା ପାଇଁ ଏକ କୃତିତ୍ୱ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। WHO ତରଫରୁ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିବା ପରେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 97ଟି ଦେଶ କୋଭାକ୍ସିନ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନଭେମ୍ବର 9 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବିଶ୍ୱର ମୋଟ 96ଟି ଦେଶ କୋଭାକ୍ସିନ୍କୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମନସୁଖ ମାନବୀୟ। ଅଣ୍ଡରୱାର୍ଲ୍ଡ ସହ ଏନ୍ସିପି ନେତା ନବାବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଲିଙ୍କ୍ ପଦାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏବେ ଅଡୁଆରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର। ନବାବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କର 1993 ମୁମ୍ବାଇ ବମ୍ ବ୍ଲାଷ୍ଟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଆଜି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରମାଣ ରଖିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିସ୍। ଏହାପରେ ଏବେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜନୀତିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ହଟଚମଟ। ନବାବ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଛି ରାଜ୍ୟର ଯୁବ ବିଜେପି ଓ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚା। ମଲ୍ଲିକଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ମଧ୍ୟ ଦାହ କରାଯାଇଛି। ନଭେମ୍ବର 15ରୁ ଖୋଲିବ ଷଷ୍ଠ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସ୍କୁଲ। ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବା ନେଇ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ରଞ୍ଜନ ଦାସ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଭିଡ୍ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ପାଠ ପଢ଼ା ହେବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଅଷ୍ଟମରୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରହିଛି ଆଉ ଦୀପାବଳି ପରେ ଷଷ୍ଠ ଓ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ଖୋଲିପାରି ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ ଏହି ଦୁଇଟି ଶ୍ରେଣୀର ସ୍କୁଲ ଖୋଲିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଛଅ ଏବଂ ସାତ କ୍ଲାସ୍ ଖୋଲୁଛି। ବାକି ଆମର ଯେଉଁ ଦିଆଯିବ ଆମର ଡାଇରେକ୍ସନ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରହିବ, ଆମର SOP ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେଇଟା ଆମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ SOP ଜାରି ହେବ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଟାଇମିଂ ହେବ, କ'ଣ ହେବ, ବାକି ଡିଟେଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଜାରି ହେବ। ବାକି 1ରୁ 5 ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଚିନ୍ତା ବର୍ତ୍ତମାନ କରିନାହୁଁ, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରିନାହୁଁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଛୋଟ ପିଲା, ସେମାନଙ୍କୁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ କଥା କହିବା ହଠାତ୍ କେବେ ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତେଣୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ଖୋଲିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେଣୁ 1ରୁ 5 ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ। ଭୂମିହୀନଙ୍କୁ ଘରଟିଏ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ ଦାବିରେ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦର୍ପଣ ତହସିଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଆନ୍ଦୋଳନ। ଭୀମସେନା ଓ ଗାଁରୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଭିଯାନ ପକ୍ଷରୁ ଶତାଧିକ ଭୂମିହୀନ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଧାନମଣ୍ଡଳ ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରି ଦର୍ପଣ ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ତୁରନ୍ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଘରଡିହ ପଟ୍ଟା ଯୋଗାଇ ଦିଆ ନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବ୍ୟାପକ କରାଯିବ ବୋଲି ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହୋଇଛି, ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ପଣ ଧାନମଣ୍ଡଳ ତହସିଲ ଅଧୀନରେ ପାଖାପାଖି ଶତାଧିକ ଲୋକ ଯେଉଁଟାକି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ଏଠି ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ପରିତାପର ବିଷୟ ସରକାରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ରହିଛି, ସାର୍କୁଲାର ଅନେକ ସମୟରେ ଆସିଛି ଏବଂ ପ୍ରବିଧାନ ମଧ୍ୟ ରହିଛି ଯେ ଭୂମିହୀନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିକି ଘରଡିହ ପଟ୍ଟାକୁ 10 ଡେସିମିଲ୍ ଘରଡିହ ପଟ୍ଟା ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ। କିନ୍ତୁ ଧାନମଣ୍ଡଳ ତହସିଲରେ ଆଜିକି ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରିକି ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଜି ବି ଘରଡିହ ପଟ୍ଟାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ଭେଟି ଗୋଟେ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛୁ ଏବଂ ଶତାଧିକ ଆଦିବାସୀ ଦଲିତ ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ସାଧାରଣ ବର୍ଗ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମେ ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରିଛୁ ଯେ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ହୋଇପାରିବ ତୁରନ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିକି କେମିତି ଘରଡିହ ପଟ୍ଟା ଦେବା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ତାଙ୍କୁ ସହାନୁଭୂତି ଭାବରେ ବିଚାର କରୁଛୁ ଏବଂ ପଟ୍ଟା ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ପ୍ରସେସ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି ପଟ୍ଟା ଦିଆ ସରିଛୁ, ଏବେ ବି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପାଇଯିବେ, 137 ଲୋକଙ୍କର ପଟ୍ଟା ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପ୍ରସେସ କରି ସର୍ଭେ କରିକି ଆମେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଛୁ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ। କଲେକ୍ଟର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱେଲଫେୟାର ସେକ୍ସନରେ ପଟ୍ଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲାଣି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱେଲଫେୟାର ଅଫିସର ଏଇ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ଆମର ପଠାଇବେ, DFO ପାଖକୁ ସେ ସବୁ ପଟା ପଠାଇବେ, DFO ସ୍କ୍ରୁଟିନ୍ କରିକି ମାନେ ଦସ୍ତଖତ କଲା ପରେ ଏଇଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସିଗ୍ନେଚର୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ 15 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ସେ ପଟା ପାଇଯିବୁ ଏବଂ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସେ ପଟାକୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାସିକରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିବୁ। ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଇନାନ୍ସ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ନେଇ ଏକାଠି ହେଲେ ଜମାକାରୀ। ଗଞ୍ଜାମ ଆସିକାସ୍ଥିତ ରଘୁନାଥ ନଗର ପଲ୍ଲୀଠାରେ ଥିବା ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଜମାକାରୀ ତହସିଲ ଅଫିସଠାରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ରଘୁନାଥ ନଗରସ୍ଥିତ ସାହାରା ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀରେ 15,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜମାକାରୀ ନିଜର ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 100 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ଏହି ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ ଜମାକାରୀମାନେ ଜମା ରଖିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଅଫିସକୁ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତ ହେଲେଣି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ଟାଙ୍ଗୀ ବ୍ଲକ ପାରିଓଡର ଗ୍ରାମରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ଜଳିଗଲା 3 ବଖରା ଘର।
ଘରର ସମସ୍ତ ଆସବାବପତ୍ର ସହ ଗଚ୍ଛିତ ଧାନ ଜଳି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହୋଇଯାଇଛି। ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ କରିଥିଲା। କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ପରିବାରକୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କଟକରେ ନକଲି ମର୍ଚେଣ୍ଟ ନେଭିର ଚାକିରି କରାଇଦେବା ନାଁରେ ଠକେଇ, ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କଲା ଚାଉଳିଆଗଞ୍ଜ ଥାନା ପୋଲିସ। ଗିରଫ ଯୁବକ ହେଲେ ଜଗତସିଂହପୁର ସୋମପୁର ଅଞ୍ଚଳର ସୌମ୍ୟରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର। ମର୍ଚେଣ୍ଟ ନେଭିରେ ଯେଉଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଡାଟାକୁ କଲେକ୍ସନ କରି ଦୁବାଇରେ ଚାକିରି, ଭିସା, ଫ୍ଲାଇଟ୍ ଟିକେଟ୍ କରାଇଦେବା କହି ଲୋକଙ୍କ ମୋଟା ରକମର ଲୁଟୁଥିଲେ ଟଙ୍କା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିକଟରୁ କାର୍ ସହ 38,000 ଟଙ୍କା ମର୍ଚେଣ୍ଟ ନେଭିର ପୋଷାକ କାର୍ଡ ସିଜ୍ କରିଛି ପୋଲିସ। କଳା ନୃତ୍ୟ ଘୋଡ଼ା ନାଚକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖି ଦେଶ ତଥା ବିଶ୍ୱରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ଘୋଡ଼ା ନାଚ ବିଶାରଦ ଡକ୍ଟର ଉତ୍ସବ ଚରଣ ଦାସ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାରରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଡକ୍ଟର ଦାସ ଅନ୍ୟତମ। 2020 ମସିହାରୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କରୋନା ଲାଗି ପୁରସ୍କାର ବିତରଣ ଉତ୍ସବକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୁକିନ୍ଦା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଶ ପୁତଳିକା ଦାହ କରାଯାଇଛି। ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକର ବିଜେପି ନେତା ଓ କର୍ମୀମାନେ ମିଲିଟାରୀ ଛକଠାରୁ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଦାନଗଦୀ ବ୍ଲକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପହଞ୍ଚି ବିକ୍ଷୋଭ କରିଛନ୍ତି। ଅନୁଗୁଳ ତାଲଚେରସ୍ଥିତ ପବିତ୍ର ମୋହନ ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଅଫ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିର ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇ ଉଭୟ ଶିକ୍ଷା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସଭାପତି ଶ୍ରୀମତୀ ମୃଦୁଳା ଠାକୁର ପ୍ରଧାନ। ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା କୁଚିଣ୍ଡା ବ୍ଲକ ସାତକମାଠାରେ 70ତମ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଗୋ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଧିକାରୀ ଡକ୍ଟର ଦୀନବନ୍ଧୁ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଉତ୍ସବରେ କୁଚିଣ୍ଡା ବିଧାୟକ କିଶୋର ଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲେଟିନ୍ରେ ସମୟ ସରିଛି, ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।